वो दर्शकों, कैसे हैं आप सब? बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रीति रिवाज विजेता में। दर्शकों, आज मैं आपको जो ये वीडियो है हमारा, ये है दुबड़ी आठे का जो हमारा ये वीडियो है, ये है पार्ट टू। इसका जो पार्ट वन है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, जिसमें मैंने बताया था आपको पूरा कि जो ये हम जो दुबड़ी का जो त्योहार मनाते हैं वो कुछ लोग सप्तमी को मनाते हैं, कुछ लोग अष्टमी को मनाते हैं, और उसमें हमें क्या क्या तैयारियां करनी चाहिए, उज्जमन कैसे करना चाहिए, उसकी विधि विधान क्या है, उसका क्या महत्व है, उसकी संपूर्ण कथा जो पूरा है वो पूरा मैंने उस पार्ट वन में बताया हुआ है, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो डाला हुआ है, आपने देखा भी होगा। ये जो वीडियो टू, जो आज का वीडियो है, जो ये पार्ट टू है इसका दुबड़ी का, इसमें मैं आपको बता रही हूँ जो हम इस दिन जो धागे बनाते हैं, मैंने ये स्पेशली इसलिए बनाया ताकि जो ये वीडियो, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हम जो धागे हमें कैसे बनाने हैं उसमें हम काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसके लिए जैसा कि मैंने आपको उस वीडियो में बताया था पहले भी कि इसमें हम दो धागे बनाते हैं, जो हर लेडी, चाहे मैं हो गई, मेरी सास हो गई, मेरी जेठानी हो गई, सब अपने अपने दो दो धागे बनाते हैं। एक धागा हम बनाते हैं 16 तार का, जिसको हम ऊपर से गांठ लगा के फिर हम 16 गांठ मारते हैं उसपे, उसको बांध के 16 तार का बनाते हैं। एक बनाते हैं हम 8 तार का, जिसको हम इकट्ठा बांट के 8 तार में हम 8 गांठे लगाते हैं, और फिर दोनों को जोड़ करके फिर उसको पीला हल्दी में रंग के ही हम उसको पूजा में इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो हमने धागा बनाया, इसको जब आप पूजा करने के लिए जाएंगे, जब भी आप इस धागे को लेके जाएंगी वहां पे, जो तालाब पे जा रही है, जोड़ पे जा रही है, वहां पे भी आप इस धागे को साथ में लेके जाएंगे, जब लोटे से पूजा करेंगे तभी भी आपके हाथ में रहेगा धागा, उसके बाद में जब आप इसको कहानी सुनेंगे जब भी धागा आपके हाथ में ही रहेगा कहानी सुनते समय, और उसके बाद में जब आप बायना निकालेंगी, उज्जमन कर रही है या बायना निकाल रही है, तभी भी जो ये धागा है ये आप अपने हाथ में ही लेकर के ही बायना निकालेंगी, क्योंकि इस धागे का बहुत महत्व है। बल्कि ये माना जाता है कि अगर किसी के लड़का नहीं है और वह इस धागे को पूरे विश्वास से अगर पूरी पूजा में अपने हाथ में रखे और बाद में जो उसको बांधते हैं, तो दुबड़ी माता उसकी सुनती है और उसकी गोद में जल्दी ही लड़के की भी उत्पत्ति होती है। तो इस धागे को जब आप बायना निकाल लेंगी, उसके बाद में आपने ये धागा कहीं पे भी बांध देना है, जैसे आप हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा जो बर्तनों वाला रैक है हम वहां पे उस धागे को बांध देते हैं, मतलब बहुत टाइट नहीं बांधना है आपने, ऐसे बांधने कि वो आराम से खुल भी जाए। तो ये जो अगर आप कहीं किसी खिड़की में बांधना चाहती हैं रसोई की, तो आप वहां बांध सकती हैं, जहां पे ये थोड़ा सही रहे, ज्यादा जूते सूचे हाथ ना लगे, वहां पे आप इसको बांध दीजिए। और जो ये धागे हैं ये 16वें दिन खुलते हैं, मतलब जिस दिन ये बंधेंगे उससे 16वें दिन खुलता है ये धागा, जिस दिन हम लोग धागे का व्रत करते हैं। जो भी लोग ये दुबड़ी का त्योहार मनाते हैं उन सबको पता हो कि हम धागे का व्रत रखते हैं, उस दिन व्रत किया जाता है बेटे की दीर्घायु के लिए, तो उसी दिन ये धागे खुलते हैं, धागे के व्रत वाले दिन दोपहर में। तो जो धागे की कहानी है, उसका जो पूरा विधि विधान है, वो मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगी। अभी बस मेरे को ये बताना था कि जो धागे का है आप इसको जरूर ख्याल रखें, क्योंकि कई बार बायना निकालते हुए नहीं ध्यान रहता और ऐसे ही निकाल दिया, बाय आपने धागा लिया ही नहीं, धागा हाथ में लेना जरूरी है, पूजा करते समय भी, कथा सुनते समय भी, बायना निकालते समय भी, और उसके बाद में फिर आप उस धागे को बांध देंगे। तो और आगे जो त्योहार आएंगे, धागे का व्रत है और जो भी है, उनके वीडियोस हम समय समय पर डालते रहेंगे, जैसे ही वो त्योहार और व्रत आते रहेंगे, तो ऐसे ही मेरे चैनल को देखते रहिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सिर्फ वीडियो को देखते ही आगे मत बढ़ जाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी जरूर कीजिएगा, और अपने सभी और भी सहेलियों के साथ और अपने रिश्तेदारों के साथ इसको जरूर शेयर कीजिएगा। नमो नमः।